पत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम निशांत है, आप देख रहे हैं डीके प्लस। आज मेरे को जाना पड़ गया सुबह सुबह ही। मैं 6 बजे निकल गया था क्योंकि मेरे को जाना पड़ा, आना पड़ा इमरजेंसी में लोहरदगा। बस ऐसे ही कुछ काम से मेरे को आना पड़ा लोहरदगा, और क्या बता सकता हूँ। चलिए आप लोगों से मिलता हूँ लोहरदगा में। लोहरदगा काफ़ी सुदूर गांव देहात था कुछ सालों में, बट अभी ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी काफ़ी विकसित हो चुका है लोहरदगा, और यहाँ की रोडें भी काफ़ी ख़राब है लोहरदगा में। मैं जस्ट अभी चट्टी भंडरा में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर ले रहा हूँ। घर से निकला था उस टाइम, मेरे को वीडियो बनाने के मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कुछ बनाया, शूट वूट कुछ नहीं किया हूँ। अभी चट्टी भंडरा में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ शूट कर ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि कुछ आप लोगों को दिखाया जाए कि कुछ लोहरदगा कैसा शहर, कैसा सिटी है, आप लोगों को यहाँ क्या क्या मिलता है और कैसा है आप लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी दूंगा आप लोगों को। चलिए कुछ आप लोग कुछ शूट देखिए रोड्स का, फिर मैं आप लोगों को लोहरदगा सिटी घुमाता हूँ, यहाँ कौन सा खाने का प्लेस है और लोहरदगा में मैना चौक क्यों फेमस है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं लोहरदगा, जो कि रांची से करीब 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और लोहरदगा बॉक्साइड नगरी के नाम से जाना जाता है। ये लोहरदगा लोहरदगा में फेमस है यहाँ का बीएड कॉलेज, जो कि बीएड कॉलेज करने के लिए काफ़ी लड़कियाँ यहाँ जाते हैं बीएड कॉलेज लोहरदगा में। और लोहरदगा का फेमस है बीएस कॉलेज लोहरदगा। और लोहरदगा में एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है पुल नंबर 27, जो कि काफ़ी अद्भुत है, और ये पुल अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक दिखता है, जो कि लोहरदगा का एकमात्र ब्रिज है। और लोहरदगा की ये पतली पतली गलियां काफ़ी संकीर्ण लगती है, और ये शहर भी काफ़ी विकसित हो चुका है। और लोहरदगा में काफ़ी मात्रा में बॉक्साइट की खनन होती है, और ये ट्रक जो आपने देखा वीडियो में वो काफ़ी मात्रा में यहाँ चलते हैं। और लोहरदगा का एक पार्क, जो कि अजय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये पार्क जो कि काफ़ी छोटा है एवं काफ़ी अच्छा दिखने को लगता है और काफ़ी भव्य है। और यह है लोहरदगा का एक सिनेमा थिएटर, जो कि काफ़ी अच्छा मेरे को लगा देखने में। और लोहरदगा में काफ़ी मात्रा में व्यापार होता है, और यहाँ की पतली पतली गलियाँ, जो कि काफ़ी व्यापारी यहाँ आए हुए हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों और सड़कों में आप लोगों को व्यापारी दिखेंगे। और यहाँ की गलियाँ जो कि रांची जैसे ही है, और यहाँ काफ़ी मात्रा में ट्रक चलते रहते हैं। और ये है लोहरदगा का मैना चौक, नहीं दरअसल ये मैना चौक नहीं है, ये मैना बगीचा के नाम से काफ़ी फेमस है। यहाँ बाजार लगता है, और ठीक इसके बगल में ही रेलवे स्टेशन है लोहरदगा का। और ये है लोहरदगा का पानीपुरी, जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि 10 में 6 दिया जाता है। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि लोहरदगा में मात्र 10 रुपये में गन्ने के जूस दिया जाता है, जो कि रांची में 20 रुपये प्रति गिलास दिया जाता है। ये यहाँ का 10 रुपये का पतारी जूस। यहाँ लोहरदगा का 10 रुपये का पतारी जूस, जो कि रांची में मिलता है 20 रुपये में, जो कि हम आज पी रहे हैं यहाँ 10 रुपये में। देखिए इतनी बड़ी गिलास है, जो रांची में मिलता है ना वही इतनी बड़ी गिलास है।